हाय गाइस, आई एम संतोषी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरी बुआ आई है मुझसे मिलने के लिए। उन्हें काफी टाइम तक नहीं पता था कि मैं घर पर आई भी हूँ। तो ये है मेरी बुआ और ये है मेरे पापा, जिनका आपसी भाई बहन का मिलाप चल रहा है। ये मेरी बुआ सगी तो नहीं पर सगे से बढ़कर है। मेरी मम्मा को ना बच्चे संभालने में उन्होंने बहुत हेल्प करी है। वैसे तो बुआ घर बिगाड़ती है पर मेरी बुआ ने मेरी मम्मा को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। यहाँ मेरे पापा हेलो बोल रहे हैं और मेरी बुआ उनकी नकल कर रही है। उन्हें नहीं पता कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। उन्हें इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। वो बहुत सीधी सादी और एक सशक्त महिला है जो अपने पति का ध्यान रखते अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है। बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, गांव के देहात से हैं, जिन्होंने बस अपने परिवार के सिवा और दुनिया का कुछ भी नहीं देखा। आज भी उन्हें फोन वगैरह की ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये जो चूड़ी आप देख रहे हो ना, ये चूड़ी मुझे बहुत पसंद आई और ये चूड़ी मेरी मम्मा ने मुझे दी थी, जो मुझे ज्यादा खास नहीं लगी। तो मैंने अपनी बुआ को कहा, बुआ आप मुझे ये चूड़ी दे दो। तो मेरी बुआ ने कहा कि नहीं, मैं ये पुरानी चूड़ियां नहीं दूंगी, मैं तेरे लिए नई चूड़ी ला के दूंगी। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी पर उन्होंने मेरे को ये लेने का वादा किया और कहा कि मैं जल्द से जल्द तुझे ये नई चूड़ी ला के दे दूंगी जाने से पहले, पर फिलहाल अभी ये नहीं दे सकती क्योंकि ये जूठन है। तो यहाँ आई थी मेरी बहन राखी, आते ही उसने बुआ के पैर छुए जो हमारे यहाँ संस्कार माने जाते हैं। और यहाँ पे मैंने सबको बोला हेलो बोलने के लिए और मेरी बुआ ना मेरी बेटी को देख के इतनी ज्यादा खुश हो गई थी। तो मम्मी भी आ गई है, मम्मी और बुआ की ना बातें चल रही है, पुराने दिनों को याद करते हैं और मेरे बारे में सबसे ज्यादा बुराइयां करते हैं क्योंकि ये ना मुझे ही अच्छा नहीं मानते हैं, पता नहीं क्यों मेरी बुराइयां करते हैं। तो ननद और भाभी साथ में बैठे हुए हैं, मैं थोड़ी देर के लिए रिश्ता ही भूल गई थी। मेरी बुआ को लग रहा है कि मैं उनकी फोटो ले रही हूँ तो कह रही थी कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। मैंने वहाँ अच्छे लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोबारा नहीं आओगे। तो यहाँ मेरी मम्मी दिखा रही है चूड़ियाँ जो उन्होंने हाल ही में शॉपिंग करी है। ये ना छोटी छोटी चीजें अपनी ननद के साथ शेयर करती है। मुझे तो पता नहीं कि मुझे ये सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैंने नेल पॉलिश लगाई है, मम्मी उनको अपने कपड़े दिखा रही है। ये जो कपड़े हैं, ये जो साड़ियाँ ना, मेरी बड़ी वाली बहन की पसंद की है, जो मम्मी की है, जो वो खुद रखना चाहती है। तो मैंने बोला मम्मा आप मुझे ये दे दो। बोली नहीं, ये मैं अपनी बेटी को दूंगी, बड़ी वाली को। तो मुझे ये साड़ी हद से ज्यादा पसंद है पर मेरे को अपनी बहन को भी शेयर करना पड़ेगा। तो मम्मा का कुछ सामान ना वो अपने साथ लेके जाएगी। अगर मेरी बहन नहीं होती तो ये सब कुछ मेरा ही होता, बट अब वो है, उसके अभी शादी नहीं हुई। तो मम्मी बहुत सारी साड़ियां वगैरह उसको भी अपने पुरानी देगी। मैं तो छुपा के लेके गई थी पर वो मांग के लेके जा रही है। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी, बिल्कुल नई है, देखो इसका स्टिकर भी नहीं निकला है। इस साड़ी का लहंगा चोली का विचार मेरे मन में चल रहा था पर मम्मी ने मना कर दिया मुझे देने से। तो यहाँ मेरी बुआ मेरी बड़ी वाली बहन से बात कर रही है और मैं उनके मजे ले रही हूँ। और यहाँ पे ना मैं मम्मी को पटाने की कोशिश कर रही हूँ कि मम्मी ये साड़ी तो मुझे दे दो, खास नहीं लग रही है और इसका ना मैं कुछ अच्छा सा सूट का डिजाइन वगैरह बनाऊंगी, अब मेरा मन करता है पहनने का। तो पर मम्मी ने मुझे सीधे सीधे मुंह पे मना कर दिया। ये साड़ी ना मम्मी की फेवरेट है जो मेरी बड़ी बहन को दी है, देखो ये बिल्कुल नई पड़ी हुई है और अभी तक इसे पहनी भी नहीं है। और मेरी मम्मी के चाहती है कि ये बड़ी बहन को मिले, और क्योंकि ये मेरी बहन ने ना पसंद करके गई हुई है घर से बाहर, जो अभी सिक्किम में है जॉब कर रही है। और मेरी बुआ और मेरी मम्मी ना साड़ी देख रही है। ये साड़ी भी मेरी बहन की पसंद की है जो उसने खुद के पैसों से लिया, और ये नेट का फैब्रिक है जो मुझे बेहद पसंद है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ पर मेरी मम्मी मुंह बना रही है, बिल्कुल नहीं दूंगी, मेरी बड़ी बेटी के पैसों के खुद के कमाई के पैसों से है और तो फ्री में लेके चली जाएगी। मेरी ना घर में सिर्फ मेरी ही शादी हुई है और किसी की शादी नहीं हुई है। तो अभी सिर्फ उनकी शॉपिंग वगैरह का काम चल रहा है। धीरे धीरे ना एक एक करके मेरे सभी भाई बहनों की शादी हो जाएगी। मेरी तो लव मैरिज थी तो मेरे घर वालों ने मेरे को विदा कर दिया, पर मेरी जो बड़ी बहन है, मुझसे जो बड़ी है, वो अभी तक कुंवारी है। तो उसके लिए कोई रिश्ता पसंद होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और यहाँ पे ना मेरी मम्मी ना मेरी चुगली कर रही है कि साड़ी लेके भाग जाती है, कितनी सीरियस होके बात कर रही है, भगवान ये ना सबको बताइए। मैंने ब्लॉग तो डाला है इसलिए मेरी मम्मी और जाकर ज्यादा बता रही है सबको, तो ये साड़ी देखो कितनी प्यारी है। पर मेरा दिल आ गया इस पर, अब मैं भी ना ऑनलाइन ऐसी ही साड़ी मंगाऊंगी और आपको रिव्यू दूंगी कि ये साड़ी आपको मुझे कैसी लग रही है। आप वैसे तो फैब्रिक देख ही सकते हो, ये साड़ी ना 1000 रुपए से अंदर की है, ज्यादा महंगी है नहीं, शायद ये 1200 के आसपास की होगी ये वाली साड़ी। और जो नेट का फैब्रिक का ये 700 से 1000 के बीच की है, एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं है, बट ये साड़ी इतनी ही है। वो जो ब्लू कलर की साड़ी है वो मेरी मामा की अपनी साड़ी है, और ये दो साड़ी मेरी बहन के खुद के पैसों की है जो वो खुद लेके आई है, जो मुझे नहीं देगी। तो मैंने ना मन बना लिया है कि देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं, पर साड़ी तो मैं यहाँ से लेके ही जाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी मम्मी कंटिन्यू मेरी बुराई कर रही है। ये हार जो मेरी माँ ने मुझे वापस दे दिया था, वापस ले लिया है और बुआ को दिखा रही है कि देखो मैंने ये पसंद किया और ये लड़की लेके जा रही है।
तो मेरी बुआ ने बोला दे दो, क्या बात है, लड़की जाता है उसको दे देना चाहिए। मायके से ना मुझे कुछ भी लेके जाना होता है तो बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, मम्मी को पटाना पड़ता है। तो यहाँ ना मैं अपने बचपन के दिन याद कर रही हूँ, मेरी शक्ल मेरी मम्मा से इतनी ज्यादा मिलने लग गई है ना कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी माँ का यंगर वर्जन हूँ। तो यहाँ ना मैं अपने मम्मा के हाथ से प्यारी से निवाला खा रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ अपने पुराने दिनों को, यहाँ आके मुझे अच्छा लग रहा है। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा, मिलती हूँ नई वीडियो में।